भगवान द्वारकाधीश के इसी श्याम वर्ण की महिमा द्वारकावासी गाते हैं। कुछ दिनों का समय बीता है राजा परीक्षित। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। दोनों मित्रों का आपस में मिलना हुआ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि हे गोविंद, यदि आपको बहुत ठीक लगे तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों श्री यमुना जी के किनारे घूमने के लिए चलते हैं। गोविंद ने कहा कि हे पार्थ, कई दिनों का समय हुआ तुमसे मिले हुए। मैं द्वारकाधीश क्या हुआ, इतनी व्यस्तता मेरी रही कि तुमसे मिलना मेरा बहुत कम हो गया। चलो, आज ये थोड़ा समय मिला है तो हम श्री यमुना जी के किनारे घूमने के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के श्री यमुना जी के किनारे घूमने के लिए आए। महाराज, श्री यमुना जी के किनारे दोनों घूम रहे हैं, तब मेरे गोविंद ने देखा कि दूर एक स्त्री बैठकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन को कहा, पार्थ, ये दूर एक स्त्री बैठकर के तपस्या करती है, जरा जाकर के पूछो ये कौन है और इतना कठोर तप क्यों कर रही है। अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा को मानते हुए उस स्त्री के पास आए और हाथ जोड़ के पूछा कि देवी, आप कौन हैं और यहां बैठकर के इतना कठोर तप आप क्यों कर रहे हैं। इस स्त्री के नेत्र खुल गए परीक्षित, और इस स्त्री ने अर्जुन को देखा और पूछा, आप गांडीवधारी अर्जुन हैं। अर्जुन ने कहा, जी। हे अर्जुन, मैंने आपको पहचान लिया लेकिन आप मुझे ना पहचान पाए। अर्जुन ने कहा, क्षमा चाहता हूं लेकिन मैं आपको ना पहचान पाया, कौन हैं आप। उस स्त्री ने कहा, कालिंदिति समाख्याता वसामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत अच्युत दर्शनम। हे अर्जुन, मेरा नाम है कालिंदी, ये श्री यमुना जी मेरा ही स्वरूप है। मैं भगवान सूर्य की कन्या हूं, यमराज मेरे भाई हैं। ये यमुना नदी के अंदर मेरे पिता के द्वारा एक भव्य महल निर्मित है और उसी महल के अंदर मैं वास करती हूं। मैं ये कठोर तपस्या अच्युत भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मांगने के लिए कर रही हूं, उनके दर्शन के लिए कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, तो समझिए कि आपकी तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि गोविंद स्वयं चल करके यहां आए। अर्जुन ने संकेत किया, श्री कृष्ण चलते हुए आए और अर्जुन ने कालिंदी का हाथ उठा करके श्री कृष्ण के हाथों में रख दिया। मेरे कृष्ण का अगला विवाह कालिंदी के साथ हुआ परीक्षित, और ठाकुर जी श्री यमुना जी को लेकर के द्वारका में पधारे। द्वारका में फिर उत्सव प्रारंभ हो गया और द्वारका वासियों को उत्सव की कोई बहुत विशेष तैयारी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पता है कि श्री कृष्ण कहीं जाएंगे तो कम से कम एक विवाह करके तो लौटेंगे, इसलिए वो हर समय उत्सव के लिए तैयारी रहते हैं। भगवान का लौटना हुआ और उत्सव प्रारंभ हो गया, इसलिए उनको विशेष कुछ नया नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी श्री यमुना जी के साथ द्वारका में है। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक अवंती देश है, वहां के राजा हैं विंद और अनविंद। विंद और अनविंद की बहन है मित्रविंदा। ये विवाह के योग्य हैं और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को श्रवण करके मन ही मन उनको अपना पति मान लिया है।
विंद और अनविंद ने अपनी बहन मित्र विंदा के स्वयंवर की घोषणा अवंती देश में की। मित्र विंदा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने देवी रुक्मिणी जी के समान एक प्रेम पत्र श्री कृष्ण को लिखा और इस पत्र के द्वारा गोविंद से प्रार्थना की कि हे द्वारकाधीश, आप अवंती देश पधारे और वीरता का परिचय देते हुए राजाओं और राजकुमारों के बीच में से मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण के पास ये पत्र पहुंचा और भगवान अवंती देश पधारे। मित्रविंदा का स्वयंवर, भगवान ने समस्त राजाओं और राजकुमारों को युद्ध में पराजित किया और अपनी वीरता का परिचय देते हुए वे स्वयंवर के बीच में से ही मित्रविंदा को उठा करके ले आए। श्री कृष्ण का अगला विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। नग्न जिन्नाम कौसल्य आसीत राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत कन्या देवी नागनजिति नृपः। एक कौशल देश है, वहां के राजा हैं नग्नजित। नग्न कौन है? जो शास्त्रों को ना माने, पुराणों को ना माने, गुरुजनों के उपदेशों को ना माने, वो नग्न है, वो नंगा है। और ऐसे नास्तिकों को, ऐसे नग्नों को जिन्होंने युद्ध में जीत लिया और धर्म की मर्यादा की स्थापना की, उनका ही नाम हुआ राजा नग्नजित। उनकी एक कन्या है जिसका नाम है सत्या। परीक्षित, सत्या को देवी नागनजिति के नाम से भी जाना जाता है। सत्या भी विवाह के योग्य हैं। तब राजा नग्नजित ने मन में विचार किया कि मेरी कन्या विवाह के योग्य है, तो चलो मेरे पास अखाड़े में जो 7 बैल हैं उनको जो भी राजा राजकुमार एक साथ नथ देगा उसके साथ ही मेरी कन्या सत्या का विवाह होगा। नग्नजित ने ये शर्त रख दी। बड़े बड़े राजा राजकुमार सत्या की सुंदरता की महिमा सुनकर के इन 7 बैलों को नथने के लिए कौशल देश में आए। लेकिन ये 7 बैल क्या हैं? ये तो काल ही हैं। मनुष्य की गंध सूंघ करके उसको मृत्यु ही प्रदान करते हैं। अनेकों निर्दोष राजा मारे गए, अनेकों राजकुमारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरे गोविंद के कानों में ये बात पहुंची तो सोचा प्रभु ने, क्यों ना मैं जाऊं और इन 7 बैलों को एक साथ नथ दूं, सत्या को प्राप्त कर लूं और इस प्रथा को वहीं रोक दूं। श्री कृष्ण कौशल देश में पधारे। अखाड़े में आकर के मेरे गोविंद ने 7 बैलों को एक साथ नथ दिया। तब श्री कृष्ण का अगला विवाह सत्या के साथ संपन्न हुआ। भगवान सत्या को लेकर के द्वारका में पधारे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैकई देश में ब्याही उनकी बुआ श्रुत कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का ही अगला विवाह परीक्षित मद्राधिपति की कन्या देवी लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। बृहत्सेन की कन्या लक्ष्मणा को भगवान ने मत्स्य वेद के द्वारा प्राप्त किया। ऊपर घूम रही मछली की परछाई जल में देख करके भगवान ने मछली के नेत्र में बाण मारा और लक्ष्मणा को प्राप्त किया। लक्ष्य संधान करके ही लक्ष्मणा को श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। और मेरे गोविंद लक्ष्मणा को लेकर के पधारे द्वारका में। यही भगवान श्री कृष्ण की मुख्य अष्टपटरानियां हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हुए तो 2 चीजों की वृद्धि उनको प्राप्त हुई। पहला तो अक्रूर जी समंतक मणि का पूजन करते हैं और जो 8 बार सोना नित्य निकलता है वो सत्राजित के समान श्री कृष्ण के कोष में जमा करते हैं। आपने अभी सुना तो
श्री कृष्ण के कोष की वृद्धि होती चली गई और दूसरा श्री कृष्ण की पत्नियों की भी वृद्धि होती चली गई। कोष भी बढ़ा और पत्नियां भी बढ़ी, धन भी बढ़ा और ग्रह लक्ष्मी की भी वृद्धि होती चली गई। तो सर्व प्रकार से श्री कृष्ण के चरित्र के ऐश्वर्य पक्ष का दर्शन द्वारका की लीलाओं में होता है। मुख्य अष्टपटरानियों के विवाह की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कह दी। कहा, राजन, एक दैत्य वास करता है जिसका नाम है भौमासुर। यह भूमि का पुत्र है, अद्भुत बलशाली और पराक्रमी है। भौमासुर ने एक बार मन में ये प्रतिज्ञा की कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ एक संग विवाह करूं। अब 20,000 की संख्या पूरी करने के लिए इसने चुन चुन करके राजाओं के ऊपर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करके उनकी कन्याओं को उठा करके अपनी राजधानी के कारागार में डालता रहा। इसकी राजधानी का नाम है प्राग ज्योतिषपुर और इसके कारागार में एक एक करके राजकुमारियों का हरण करके लाता है और डाल देता है। इसके कारागार में अब राजकुमारियों की संख्या 16,100 पर पहुंच गई। जीवन में यदि बल है और उस पर विवेक का अंकुश नहीं है तो वो बल दूसरे को भयभीत करने वाला होता है। शास्त्र उस बल की प्रशंसा नहीं करते जो दूसरे को भयभीत करे, शास्त्र उस बल की प्रशंसा करते हैं जो दूसरे को निर्भय कर दे। तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। श्री हनुमान जी के बल की महिमा इसीलिए है क्योंकि उस बल पर विवेक का अंकुश है और वो बल समाज को निर्भय करने वाला है। जिसका बल समाज को डराए, भयभीत करे, ये समझ लेना वो आसुरी वृत्ति वाला है। यही भौमासुर बल है, पराक्रमी है, लेकिन विवेक का अंकुश नहीं है। एक बार इसने देवराज इंद्र पर चढ़ाई की और इंद्र के सिंहासन में लगे छत्र को ये निकाल कर के लाया और अपने सिंहासन में लगा लिया। एक बार इसने देवताओं की माता अदिति को पकड़ लिया और कहा, लाओ जो कानों में तुमने कुंडल पहने मुझे दे दो। अदिति के कानों के दोनों कुंडल उतरवा करके ले आया। देवता इसके पराक्रम से भयभीत होने लगे। 16,100 राजकुमारियां इसके कारागार में पहले से। इन राजकुमारियों को भी लगा कि हमारा जीवन तो नरक हो चुका है। आज मन में विचार किया कि संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इस भौमासुर के कारागार से हमें मुक्त करा दे। तब इन 16,100 राजकुमारियों को भगवान श्री द्वारकाधीश का स्मरण आया। गोविंद के यश और कीर्ति को इन्होंने कारागार में श्रवण किया है। विचार किया, केवल 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 द्वारकाधीश की कृपा से ही हम इस असुर के कारागार से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा भौमासुर का सामना करने का सामर्थ्य पृथ्वी के किसी दूसरे राजा में नहीं है। तो एक सुंदर पत्र इन 16,000 राजकुमारियों ने श्री कृष्ण के नाम लिखा और गुप्त रूप से गुप्तचर के द्वारा यह पत्र द्वारका की सुधर्मा सभा में भिजवाया। दूत ने इन राजकुमारियों के पत्र को मेरे गोविंद को पढ़कर के सुनाया और इस पत्र में राजकुमारियों ने प्रार्थना की कि हे द्वारकाधीश, आप पधारे प्राग ज्योतिषपुर और भौमासुर का अंत करके हमें इसके कारागार से मुक्त कराएं। असुर की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, हमारा जीवन नरक के समान हो चुका है। यदि आप हमें बचाने के लिए अब ना आए तो कुछ ही दिनों के बाद हम सब सामूहिक रूप से अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान पत्र को सुन रहे हैं, उसी समय देवराज इंद्र देवताओं को लेके वहां आए। देवराज इंद्र ने मेरे गोविंद से प्रार्थना की कि हे द्वारकाधीश, भौमासुर के आतंक से अब हम पीड़ित हैं,
इंद्र ने कहा मेरे सिंहासन का छत्र निकाल करके ले गया। देवताओं ने कहा हमारी माता अदिति के कानों के कुंडलों को उतरवा लिया। हे गोविंद, असुर की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अब आप भौमासुर का अंत करें और संपूर्ण पृथ्वी को निर्भय कर दें। भगवान ने कहा हे देवताओं, तुम लोग जिस प्रार्थना को लेकर के यहां आए हो, तुमसे पहले 16,100 राजकुमारियों का प्रार्थना पत्र इसी उद्देश्य के लिए मेरे पास आ चुका है, तो अब मैं भौमासुर का अंत करूं और संपूर्ण पृथ्वी को निर्भय कर दूं। देवता प्रणाम करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं आज सत्यभामा जी को साथ लेकर के मेरे गोविंद गरुण जी पर सवार हुए और द्वारका से प्राग ज्योतिषपुर में पधारे। भगवान आए और युद्ध के लिए भौमासुर को ललकारा। भौमासुर मेरे गोविंद से युद्ध करने के लिए आया। श्री कृष्ण के साथ इसका विचित्र युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन इस युद्ध में मेरे भगवान के हाथों ये मरने में ना आया। और युद्ध चलते चलते जब बहुत लंबा खिंच गया तो सत्यभामा जी को नींद आने लगी और वे उबासी लेने लगे और फिर कहा गोविंद, हे मेरे प्रभु, आप क्या विनोद करने में लगे हैं? अरे इस असुर को मारते क्यों नहीं, मुझे नींद आती है, ये युद्ध इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, इसे मारिए। भगवान ने कहा बस यही तो मैं सुनना चाहता था आपके मुख से, आपने कह दिया और इसका अंत हो गया। मेरे गोविंद ने उसी समय सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और भौमासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जय जयकार होने लगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। देवता आकाश से पुष्पों की बरसात करने लगी। भौमासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति मेरे गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। ये भौमासुर भूमि का पुत्र है, श्री कृष्ण का ही पुत्र है। भगवान ने वराह अवतार लिया तो उनका विवाह भूदेवी के साथ हुआ। तब भूगर्भ से भौमासुर प्रकट होकर के आया। भूदेवी ने भगवान वराह से तब वरदान लिया कि जब तक मैं स्वयं आपको ना कहूं, आपके हाथों मेरा पुत्र मरने में ना आए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब देखो, श्री कृष्ण की दो मुख्य पत्नियां हैं, एक है श्रीदेवी और दूसरी है भूदेवी। श्रीदेवी रुक्मिणी जी हैं और भूदेवी सत्यभामा हैं। आज मेरे गोविंद सत्यभामा जी को लेकर के इससे युद्ध करने के लिए आए और जब सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु इसे मारते क्यों नहीं, मुझे नींद आती है, तो भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। भगवान हिरण्यकशिपु के पुत्र को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और अपने ही पुत्र के सिर को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। वे प्रहलाद को गोद में बैठाने वाले हैं और वे ही भौमासुर का अंत भी करने वाले हैं। ये प्रमाणित कर देता है कि मेरे गोविंद निष्पक्ष हैं, उन्हें वही प्यारा है जो धर्म में है और उनके लिए वही शत्रु है जो अधर्म में है। भौमासुर का अंत हुआ। भगवान कारागार में पधारे और 16,100 राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। फिर प्रभु ने सोचा कि ये असुर के कारागार से मुक्त हुई हैं, तो अब इनसे कोई विवाह नहीं करेगा, कहीं इनका जीवन ना बिगड़ जाए, ये गलत मार्ग पर ना चली जाए, समाज बिगड़ जाएगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत है, तो चलो अब इनके मंगल के लिए, इनके कल्याण के लिए मैं स्वयं ही इन सब के साथ विवाह कर लूं। और मेरे गोविंद ने इन 16,100 राजकुमारियों के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। 16,100 राजकुमारियों ने सोचा कि धरती पर श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई दूसरा वर नहीं है, इसलिए इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विशाल मंडप में
मेरे गोविंद ने 16,100 रूप लिए परीक्षित और इन समस्त राजकुमारियों के साथ उनका विवाह हुआ। भगवान द्वारकाधीश इन 16,100 राजकुमारियों को लेकर के द्वारका जी में पधारे और द्वारकावासी जय जयकार करने लगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। विचार किया, अरे रोज तो प्रभु एक एक पत्नी को लेके आते थे, इस बार तो 16,100 को ले आए, तो उत्सव बहुत लंबा ही चलने वाला है। महाराज उत्सव ही मनाने लगे, बहुत लंबा उत्सव। भगवान की पत्नियों की संख्या 16,108 हो गई राजा परीक्षित। ये 16,108 पत्नियां मेरे गोविंद की कौन है? इनको साधारण सांसारिक स्त्रियां ना समझ लेना। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां जो हैं, ये वेद के उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। इन 16,000 मंत्रों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उपासना की और वे ही इन राजकुमारियों के रूप में आए, मेरे गोविंद से उनका विवाह हुआ है। 100 प्रकार के उपनिषद जिनमें श्री कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यही भगवान श्री कृष्ण की मुख्य अष्ट पटरानियां हैं। भगवान इन अष्ट पटरानियों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में विराजमान होते हैं। शुकाचार्य कहते हैं, राजा परीक्षित, कुछ ही दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान का परिवार बढ़ता हुआ चला गया और फिर भगवान के पुत्रों के विवाह होने प्रारंभ हुए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनका विवाह हुआ है और उनके ही पुत्र के रूप में जन्म हुआ अनिरुद्ध जी महाराज का। इन अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की पोती रोचना के साथ हुआ और दूसरा विवाह वाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। महाराज अब तो इनके भी पुत्र होने लगे और भगवान के पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों अरबों को कुछ ही दिनों में पार कर गई। इतने विशाल यदुवंश के साथ मेरे गोविंद द्वारकापुरी में वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे परम शांत हैं। अरे हम लोगों के तो छोटे छोटे परिवार होते हैं, उनको नहीं संभाल पाते हैं। छोटी गृहस्थी से ही हम लोग संकट में आ जाते हैं। जरा गोविंद को देखो, कितना विशाल परिवार। अपने जिस एक पुत्र से गोविंद मिल लेते हैं परीक्षित, फिर उससे पुनः तो कई वर्षों के बाद ही जाकर के मिल पाते हैं। जिसको एक बार देख लिया उसको कई वर्षों के बाद देखा। महाराज एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सूतक को बुलाया। सूतक आप जानते हैं ना, जब किसी के बच्चा होता है तो सूतक लग जाता है, आपको मालूम है ना सब। उसी सूतक को बुलाया और गोविंद ने कहा कि हे सूतक महाराज, अब तुम द्वारका छोड़कर के प्रस्थान करो, मेरी यही प्रार्थना है। हम सूतक ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं? बोले भैया मैं कब तक तुझे मनाऊं? एक का सूतक पूरा नहीं होता दूसरे की खबर आ जाती है, दूसरे के सूतक से बाहर नहीं आ पाता तब तक तीसरे का लग जाता है, अरे उससे मुक्त होने की सोचता हूं तब तक चौथे की खबर आ जाती है। क्या मेरे पास यही काम रह गया कि मैं सूतक में उठूं और सूतक में सो जाऊं? अब इनके यज्ञोपवीत कब होंगे, नामकरण संस्कार कब होंगे, अन्य मांगलिक कार्य कब होंगे? जब देखो तब सूतक लग जाता है, तुम आकर के मुझे लग जाते हो। इसलिए अब मेरी ये प्रार्थना है कि तुम द्वारका छोड़ करके जाओ भैया और अपने इस बंधन से मुझे मुक्त कर दो। सूतक प्रभु को प्रणाम करके वहां से चला गया। देखो भगवान तो सूतक से भी मुक्त हो गए परीक्षित। नित्य ही वृद्धि हो रही है यदुवंश की।
पृथ्वी का अब ये सबसे बड़ा परिवार है। शुकाचार्य कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हैं, तब एक दिन यदुवंशी राजकुमार खेलते हुए वन में आए। इन्हें प्यास लगी तो इन्होंने घोर जंगल में एक प्राचीन कुएं को देखा। ये दौड़ते हुए आए और जल के लिए जैसे ही उस कुएं में झांक करके देखा तो इन्होंने एक बहुत विशाल गिरगिट को उस कुएं में पड़ा हुआ पाया। महाराज, इस गिरगिट को देख करके यदुवंशी राजकुमार तो आश्चर्य में पड़ गए। इसको कुएं के बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन यह गिरगिट कुएं के बाहर ना निकला। गिरगिट जो होता है ना साहब, उसके पास एक विशेष बात होती है, उसकी दोनों आंखें जो होती हैं वो एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं, ऐसा सामर्थ्य उसके पास होता है। सामान्यतः हमारी दोनों आंखें एक ही दिशा में देख पाती हैं, लेकिन गिरगिट की दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं। वो एक आंख को कहीं चला सकता है और दूसरी आंख से कहीं देख सकता है। अब इसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इतना विशाल आकार इसका कि ये गिरगिट कुएं के बाहर ना निकल पाया। यदुवंशी राजकुमार दौड़ते हुए आए मेरे प्रभु के पास और गोविंद को इस घटना की सूचना दी। भगवान श्री कृष्ण उस वन में पधारे और जब कुएं में झांक करके देखा तो इस विशाल गिरगिट को पड़ा हुआ पाया। भगवान ने यदुवंशी राजकुमारों की सहायता से इस विशाल गिरगिट को रस्सियों के द्वारा कुएं के बाहर निकलवाया और जैसे ही इस गिरगिट के सिर के ऊपर श्री कृष्ण ने अपने पैर को रखा, ये गिरगिट एक देव पुरुष के रूप में बदल गया। हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं और गिरगिट के रूप में इस कुएं में क्यों पड़े हुए थे। इस देव पुरुष ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ना पहचाना, मैं हूं राजा नृग। आपने जब भी दानियों के नाम सुने होंगे तो मेरा नाम भी उसमें लिया जाता है, आपने मेरा नाम सुना होगा। नृगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो तानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। भगवान ने कहा, राजा नृग जी, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र, लेकिन हे राजन, मैंने तुम्हारी दानवीरता के बारे में बहुत सुना है, इतना दान करने के बाद तुमको गिरगिट बनना पड़ गया, क्यों? कहा, प्रभु एक छोटे से अपराध के कारण। कैसा अपराध? कहा, गोविंद मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को गौ दान किया करता था। ऐसी गाय दान में देता था जो स्वस्थ थी, कपिला थी, उनके सींगों को सोने से मढ़कर के, चांदी से उनके खुरों को मढ़कर के, सुंदर झूल डाल करके मैं संकल्प करके गौ दान करता था। ऐसी गाय दान में नहीं देता था कि पंडित जी गैया को खेचवे में लगे, गैया तो उठ भी ना रही। हाँ, ऐसी गाय दान में नहीं देता था, स्वस्थ सुंदर कपिला गाय। नित्य का मेरा नियम कि मैं गौ दान करूं। गोविंद, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे राज्य में एक अकिंचन ब्राह्मण वास करता है, उसके घर में भी एक गाय थी। अचानक अवसर पाके उसकी गाय ने अपने बंधन को खोला और वो दौड़ती हुई आई और आकर के मेरे गायों के झुंड में मिल गई। अब मेरी तो आदत नित्य में गौ दान करूं। हुआ ये कि मैं लाखों की संख्या में गौ दान करता था, इसलिए एक दिन मैंने संकल्प करके उस अकिंचन ब्राह्मण की गाय को भी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब ये दूसरा वाला ब्राह्मण जब उस गाय को लेके गया तो पहले वाले ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया। ये कई दिनों से अपनी गाय को ढूंढ रहा था। अब दोनों झगड़ा करते हुए मेरे पास आ गए।
एक ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आपने तो ये गाय आज ही मुझे संकल्प करके दान में दी है, और ये दूसरा ब्राह्मण कहता है कि ये गाय इसकी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, राजन ये गाय तो मेरी थी, मेरे घर से बंधन खोल करके भाग गई, आपके झुंड में आकर के मिल गई गायों के, लाइए मेरी गाय मुझे दीजिए। मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि आप दोनों झगड़ा ना करें, इस गाय को छोड़ दें और एक एक लाख गाय मुझसे संकल्प करके दान में ले लें। लेकिन दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे और अड़ गए इस बात पर कि हमको यही गाय चाहिए, अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया इस बात को। मैं निर्णय ना कर पाया और दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं छोड़ करके रुष्ट होकर के वहां से चले गए। ये रुष्ट होकर के गए, मुझे बड़ी चिंता हुई। मैं सोचने लगा, अरे मैं इतनी गायों का दान करता हूं, आज मुझसे ये क्या अपराध बन गया। और जब मेरी आयु पूरी हुई गोविंद, तो मैं यमराज के समक्ष पहुंचा। यमराज ने मुझे देख करके कहा कि हे राजा नृग, पहले आप अपने पुण्यों के फल को भोगना चाहते हो या पहले पापों के फल को भोगना चाहते हो? मैंने कहा कि पहले मुझे मेरे पापों का ही फल दीजिए। यमराज ने कहा, तो ठीक है, अब आपको मृत्युलोक में गिरगिट के रूप में वास करना होगा। मुझे ऊपर से धक्का दिया गया गोविंद, और मैं सीधे यमराज के सामने से मृत्युलोक की ओर गिरता हुआ आया। और जब नीचे गिरता हुआ आया, तो मेरा शरीर धीरे 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 गिरगिट के रूप में बदलने लग गया, और मैं आकाश से सीधे इस कुएं में आकर के गिरा, गिरगिट बन चुका, और तब से इसी कुएं में पड़ा था। आज आपके चरण कमलों के स्पर्श से मुझे इस रूप से मुक्ति की प्राप्ति हुई है। गोविंद, आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है। श्री कृष्ण की चार परिक्रमा राजा नृग ने लगाई, और फिर भगवान को प्रणाम करके वे वहां से प्रस्थान कर गए। शुकाचार कहते हैं, राजा परीक्षित, इसके बाद श्री बलराम जी एक बार ब्रज भूमि की यात्रा पर पधारे। उन्होंने बीच में दुविद नाम के दुष्ट वानर का संहार किया, और ब्रज में आकर के श्री बलराम जी ने महाराज की लीला को संपन्न किया। श्री कृष्ण ने महाराज किया ऐसा ही नहीं है, श्री बलराम जी ने भी महाराज किया है ब्रज में आके। और जिस स्थान पर श्री बलराम जी ने महाराज किया सज्जनों, उसको ही हमारे ब्रज में विहार वन के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, उसको छाता बोलते हैं, और छाता के निकट ही है बिहार वन। ये बिहार वन वही स्थल है जहाँ बलराम जी ने गोपियों के साथ विहार किया है, ये महाराज की लीला संपन्न की है। श्री यमुना जी को भी उन्होंने महाराज के लिए आमंत्रित किया, तो श्री यमुना जी ने आने से मना कर दिया। तब श्री बलराम जी को क्रोध आया, और उन्होंने अपने हल से ही श्री यमुना जी को महाराज के लिए खींच लिया। यमुना जी भी महाराज में आई है, इसलिए बिहार वन में जब श्री यमुना जी का आप दर्शन करोगे, तो आज भी यमुना जी वहां पर टेढ़ी हैं, जहां बलराम जी ने उनको खींचा हल से, वो उस स्थान पर टेढ़ी हैं, आज भी हम दर्शन करते हैं। बलराम जी ने महाराज की लीला को संपन्न किया। वे ब्रजभूमि से लौट करके द्वारका आए। यहां मेरे गोविंद ने करुष देश के दुष्ट राजा पौंड्रक का संहार किया। इसके बाद नारद जी श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए द्वारका में पधारे। नारद जी वहीं होते हैं जहां श्री कृष्ण होते हैं। मेरे गोविंद आए हैं अवतार लेके, तब से तो नारद जी ने द्वारका छोड़कर के जाना बंद ही कर दिया है, वे बस द्वारका के आसपास ही दिखाई देते हैं। गोविंद क्या क्या लीला करते हैं उसका दर्शन करते हैं। नारद जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की गृहस्थी तो इतनी बड़ी है, फिर वे कैसे कुशलता पूर्वक इसका संचालन करते हैं।
अरे संसार में लोग एक पत्नी को संभाल नहीं पाते, जिसके पास 16,108 हो उसकी दिनचर्या को तो देखना ही पड़ेगा, सीखने की बात है। बंदव निज पत्नी चरण जस जाने सब कोए, बंदव निज पत्नी चरण जस जाने सब कोई, जाके भ्रकुटी विलास से एकादशी व्रत होए। भैया यदि पत्नी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो उसी दिन घर में एकादशी व्रत हो जाता है, आपको पता है ना सब। एक पत्नी की भ्रकुटी टेढ़ी होने से एकादशी व्रत होता है, जाके भ्रकुटी विलासों एकादशी व्रत होए। और जिसके पास 16,108 पत्नियां हैं, इसका अर्थ यह है कि 365 दिन ही एकादशी रहती होगी। तो नारद जी को लगा कि मैं चल करके देखूं कि श्री कृष्ण कैसे रहते हैं। देवर्षि नारद द्वारका जी में आए, नारायण 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 आकर के उन्होंने देखा कि द्वारका में 16,100 राजकुमारियों के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। सबसे पहला कक्ष देवी रुक्मिणी जी का है। नारद जी ने सोचा कि श्री कृष्ण सभी पत्नियों में रुक्मिणी जी से विशेष स्नेह रखते हैं, तो हो ना हो ये रुक्मिणी जी के कक्ष में ही होंगे, चल करके जरा देखूं। सो धीरे से रुक्मिणी जी के कक्ष का द्वार खोला, नारायण नारायण, और फिर नारद जी अंदर आए। उन्होंने क्या देखा कि द्वारकाधीश सोने के पलंग पर बैठे हैं और देवी रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं। मेरे गोविंद ने नारद जी का स्वागत किया, आइए ना देवर्षि, स्वागत है आपका, पधारिए। आसन दिया, नारद जी बैठ गए। मेरे गोविंद ने नारद जी को जलपान कराया, फिर पूछा, देवर्षि आज कैसे आना हुआ द्वारका में आपका? नारद जी ने कहा, गोविंद कोई विशेष बात नहीं, यहां से निकलता था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलो। मन में सोचा, देखो पक्का हो गया ना रुक्मिणी जी के कक्ष में, ये और किसी पत्नी के कक्ष में अब नहीं है, तो चलो थोड़ा चल करके अन्य जो पत्नियां हैं उनकी खबर ले लूं। हां, सो नारद जी जलपान करके देवी रुक्मिणी जी के कक्ष से बाहर निकल के आए। बगल वाला कक्ष जाम्बवती का है, सो नारद जी जाम्बवती के कक्ष में प्रवेश करके आए। नारायण 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 नारायण, क्या देखा, मेरे गोविंद बैठे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। नारद जी को देखा, उठ करके आए, आइए ना देवर्षि, स्वागत है आपका, जलपान रख दिया। और फिर मेरे गोविंद ने पूछा, आज अचानक द्वारका में आपका कैसे आना हुआ? नारद जी ने सोचा, अभी तो इनको बता करके आया मैं द्वारका क्यों आया, जलपान भी किया, अब ये फिर जलपान रख दिया मेरे सामने, ये गोविंद क्या कर रहे हैं? कहा, नहीं गोविंद, बस आपका दर्शन करने चला आया, जलपान की अब कोई इच्छा नहीं है मुझे। श्री कृष्ण से सत्संग हुआ और नारद जी जाम्बवती के कक्ष से बाहर निकल के आए। सोचा, देवी रुक्मिणी जी के कक्ष में थे, फिर मुझसे पहले जाम्बवती के कक्ष में कैसे आ गए? बगल वाला कक्ष सत्यभामा का है, चलो इसमें चल के देखता हूं, अकेले होंगे सत्यभामा जी? हाँ। और धीरे से देवर्षि नारद सत्यभामा जी के कक्ष में आए। नारायण 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 नारायण, आए कक्ष में तो क्या देखा, मेरे गोविंद अपने पौत्रों के साथ बैठकर के चर्चा कर रहे हैं। नारद जी को देखा, आइए ना देवर्षि, स्वागत है आपका, पधारिए 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 पधारिए, बैठाया, फिर जलपान रख दिया। कैसे आना हुआ आपका द्वारका? नारद जी ने सोचा, ये चक्कर क्या है, अरे पहले ही कक्ष में बता दिया था कि मैं द्वारका क्यों आया, बार बार वही पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कक्षों में पीछे भी कोई दरवाजा हो, मैं इधर से पहुंचता हूं ये पीछे से आ जाते हो, हो ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो चलो जलपान को स्पर्श ना करूं, उठ करके दौड़ू, ये पीछे के कक्ष आएंगे उससे पहले मैं बगल वाले कक्ष में पहुंच जाऊंगा। महाराज गोविंद ने कहा, देवर्षि थोड़ा जलपान करी, और नारद जी ने जलपान सरकाया, वीणा करताल उठाई, लगाई दौड़। भगवान ने कहा, रे सुनिए कहां जाते हैं आप,
तुरंत दरवाजा खोल करके नारद जी बगल वाले कक्ष में आए। ये बगल वाला कक्ष जो है कालिंदी का है। तुरंत उस कक्ष में आए तो क्या देखा, गोविंद वहां पर अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या अर्जित कर रहे। आइए देवर्षि, स्वागत है आपका, अचानक द्वारका में आना, थोड़ा थोड़ा जलपान करिए, बैठिए बैठिए। नारद जी ने कहा, बड़ी तेज दौड़ लेते हैं गोविंद, मैं तो इतनी तेज दौड़ के आया, मुझसे पहले फिर आ गए। कहा, नहीं नहीं गोविंद, बस आपका दर्शन करने आया। तुरंत नारद जी बाहर निकल के आए बगल वाले कक्ष में दौड़ते हुए। ये बगल वाला कक्ष जो है सत्या का है, और जब कक्ष के अंदर आए तो क्या देखा, श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। आइए आइए देवर्षि, बैठिए, आप भी यज्ञ में भाग लीजिए। कैसे आना हुआ द्वारका में? नारद जी ने सोचा फिर वही पूछते, पूछा, गोविंद एक बात बताएंगे आप? पूछिए ना देवर्षि। बोले, इन कमरों में पीछे कोई दरवाजा बना हुआ है क्या? क्यों? बोले, मैं इधर से आता हूँ, जिस कक्ष में आता हूँ आप पहले बैठे हुए दिखाई देते हैं, कोई कोई दरवाजे बने हैं क्या इनमें पीछे? कहा, नहीं देवर्षि, आप जिस भी कक्ष में जाएंगे आपको मेरा ही दर्शन होगा। हे नारद जी, 16108 मेरी पत्नियां हैं और मैं 16108 रूप लेकर के ही प्रत्येक कक्ष में अपनी प्रत्येक पत्नी के पास वास करता हूं। आप जिस भी कक्ष में जाएंगे मैं कोई ना कोई अलग लीला करता हुआ आपको वहां मिलूंगा, और जब मैं अपने द्वारका की सुधर्मा सभा में जाता हूं तो मेरे यही 16108 रूप मिलकर के मैं एक रूप हो जाता हूं। द्वारका की सभा में बैठ करके न्याय करके जब लौट के आता हूं तो फिर एक से 16108 हो जाता हूं, और एक ही साथ एक ही समय में मैं प्रत्येक कक्ष के अंदर प्रवेश कर जाता हूं। आप जिस भी कक्ष में जाओगे मैं आपको अलग अलग लीला करता हुआ मिलूंगा। देवर्षि नारद को तो सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। एक दिन की चर्या देखने के लिए आए थे, 3 महीना तक द्वारका में मेरे गोविंद की लीला देखते रहा। 3 महीना तक रहे नारद जी वहां। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, 3 महीने के बाद देवर्षि नारद वहां से गए। भगवान ने इसके बाद भीम को निमित्त बना के मगध नरेश जरासंध का उद्धार कराया। पांडवों ने राजसू यज्ञ इसके बाद किया, उस यज्ञ में मेरे गोविंद ने शिशुपाल का उद्धार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राजा शाल्व का वध किया, फिर उन्होंने दंत वक्त्र को मारा। इसके बाद श्री कृष्ण ने काशीराज का संहार किया, और एक एक करके दुष्ट राजाओं को मार करके भगवान पृथ्वी को इनके पाप के भार से मुक्त कराने लगे। भगवान के अवतार का भी ये एक हेतु है। ये सभी कथाएं कहीं, तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्री कृष्ण कथा के सबसे मीठे प्रसंग सुदामा चरित्र को कहने के लिए तैयार हुए, और कहा, राजन अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी की कथा कहता हूं। 2 कथाएं भागवत में ऐसी हैं जिनको कहते समय सुखदेव जी की समाधि लग गई। तब कथा सुन रहे महात्माओं ने वेद मंत्रों का गान करके सुखदेव जी को समाधि से बाहर निकाला। पहला, जब श्री ब्रह्मा जी ग्वालबाल और बछड़ों को चुरा कर के ले गए ब्रह्मलोक, सुखदेव जी की समाधि लगी वहां। और दूसरा, श्री सुदामा जी की कथा आज कहने को तैयार हुए तो सुखदेव जी की समाधि लग गई। महात्माओं ने वेद मंत्रों का गान किया तब सुखदेव जी समाधि से बाहर आए। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी की कथा बड़ी विशेष है। भैया कौन है सुदामा जी, कैसे हैं सुदामा जी, कहां हैं सुदामा जी? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये सुदामा जी मेरे गोविंद के गुरुकुल के सखा हैं। पोरबंदर में एक छोटी सी कुटिया के अंदर वास करते हैं। ये ब्राह्मण सुदामा जी, इनकी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला, इनके बच्चे भी हैं। हम जब सुदामा जी का नाम सुनते हैं तो ऐसा मन में विचार करते हैं कि कोई कंगाल ब्राह्मण जिसके पास धन नहीं था लेकिन मित्रता द्वारकाधीश श्री कृष्ण से थी, वो धन प्राप्ति की इच्छा के लिए द्वारका गया और गोविंद से उसे बदले में बहुत सा धन प्राप्त हो गया। लेकिन श्री सुदामा जी के बारे में ऐसा सोचना अपने आप में मेरे गोविंद को गाली देने के समान है। श्रीमद् भागवत में श्री सुदामा जी की जैसी प्रशंसा सुखदेव जी ने की है सज्जनों, ऐसी प्रशंसा उन्होंने किसी दूसरे की ना की। श्री सुदामा जी मेरे गोविंद के सखा हैं। आप जरा विचार करो कि श्री कृष्ण की सख्य भक्ति जिन्हें प्राप्त है, मेरे गोविंद ने जिन्हें अपने बगल में बैठने का अधिकार दिया है, क्या वे सुदामा जी दरिद्र होंगे? सुदामा जी के बारे में ऐसा सोचना श्री कृष्ण को गाली देने के समान हो जाएगा। ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले, और जो ब्राह्मण ब्रह्म को जान जाएगा वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त हैं, विषयों के प्रति उनके मन में वैराग्य है। वे सोए हुए ब्राह्मण नहीं है, वे जागे हुए ब्राह्मण हैं। वे केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वे कर्म से भी ब्राह्मण हैं। क्योंकि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागा हुआ जीव वही है जिसके मन में विषयों के प्रति वैराग्य है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, श्री सुदामा जी ऐसे ही हैं। आगे तो सुखदेव जी ने कमाल ही कर दिया, उनको प्रशांत कह दिया। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, मेरे गोविंद से भी एक कदम आगे श्री सुदामा जी को ले जाकर के रख दिया। श्री कृष्ण भी प्रशांत नहीं है, श्री कृष्ण केवल शांत है। जो शांत होता है सज्जनों, उसको जीवन में तो कभी ना कभी क्रोध आता है, लेकिन जो प्रशांत होता है वो ये जानता ही नहीं कि क्रोध करना क्या होता है। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी क्रोध किया ही नहीं, वे प्रशांत हैं। भगवान को क्रोध आता है वे वराह अवतार ले लेते हैं, उनको क्रोध आता है वे नरसिंह अवतार ले लेते हैं, वे केवल शांत हैं। शांताकारम भुजग शयनम, लेकिन सुदामा जी तो प्रशांत हैं। एक कदम आगे मेरे गोविंद से सुखदेव जी ने इनको रखा। जितेंद्रिय, इन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है। जो इंद्रियों को जीत लेगा वो दरिद्र नहीं हो सकता। जो इंद्रियों के अधीन है वो दरिद्र हो सकता है, लेकिन श्री सुदामा जी दरिद्र हैं ऐसा सोचना भी श्री कृष्ण के किए गए अपराध के समान हो जाएगा। शास्त्र कहता है दरिद्र कौन है? दरिद्रयोस्तु असंतुष्टो, जिसके जीवन में असंतोष है वही दरिद्र है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में यदि संतोष रूपी धन ना आया तो समझना कुछ कमाया ही नहीं। यदि कमाने के बाद भी ठीक से सो ना पाए, यदि कमाने के बाद भी जीवन में शांति ना मिली, यदि कमाने के बाद भी भोजन को पचा ना पाए, तो समझना कि कोई ना कोई कमी रह गई। संतोष रूपी धन जीवन में हो, श्री सुदामा जी के जैसा संतोष किसके जीवन में होगा? आपको थोड़ा दर्शन कराऊं,
पोरबंदर की छोटी सी कुटिया में श्री सुदामा जी रहते हैं। साधनों का अभाव है, वे निर्धन हैं, लेकिन वे दरिद्र नहीं हैं। एक अरबपति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, लेकिन एक साधारण मजदूर भी दरिद्र नहीं हो सकता। हमारे जीवन की विडंबना यह है सज्जनों कि हम अपने जीवन में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, इसलिए असंतोष बना रहता है। मेरे पास दो गाड़ी, मेरे पड़ोसी के पास तीन गाड़ी, तो मन में असंतोष आ गया। अरे अब ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास चार गाड़ी हो जाए, लग गए उसी प्रतिस्पर्धा में। जो दो गाड़ी भगवान ने हमको पहले से दी है उसका सुख तो ना मिला, लेकिन पड़ोसी पर जो तीन गाड़ी है इसने हमको जीवन में दुख दे दिया। आ गया असंतोष। अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, इसलिए दरिद्र रहते हैं। एक अरबपति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है और एक मजदूर भी नहीं हो सकता। यदि हम जीवन में अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो श्री कृष्ण की क्या कृपा हमारे जीवन में है इसका अनुभव हमें होगा। आज भी इस धरती पर हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है। इस धरती पर हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास दो समय का भोजन नहीं है, जिनके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, बस कैसे भी अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। यदि हम देखें अपने से नीचे वाले को तो यह समझ में आएगा कि प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की, हमें सुंदर वस्त्र दिए, सुंदर भोजन दिया, सुंदर जीवन दिया, इससे बड़ी कृपा गोविंद हमारे ऊपर क्या करेंगे। लेकिन नीचे वाले को ना देखने के कारण जीवन में संतोष नहीं आ पाता। ऊपर वाले को देखने के कारण जीवन में असंतोष बना रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुदामा जी के पास साधनों का अभाव है, वे निर्धन तो हैं, लेकिन मन में संतोष होने के कारण वे दरिद्र नहीं हैं। बरसात का सारा जल सुदामा जी की कुटिया में आ जाता है, घर में दो समय भी चूल्हा नहीं जल पाता। श्री सुदामा जी कई कई दिन केवल जलपान करके गोविंद का भजन करते हुए समय को व्यतीत कर देते हैं। इनके घर में एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति है और प्रतिदिन उस मूर्ति का ये पूजन करते हैं और कुटिया के बाहर बैठकर के भजन करते हैं। कभी कोई वैष्णव आ जाए कुटिया में और सुदामा जी को प्रणाम करके कुछ रख जाए तो सुदामा जी के घर का चूल्हा जलता है, अन्यथा सुदामा जी कभी किसी के सामने अपने हाथों को नहीं फैलाते, बैठ करके गोविंद का भजन करते हैं। एक समय ऐसा आया कि कई दिनों तक श्री सुदामा जी के कुटिया पर कोई वैष्णव ना आया। सुदामा जी के बच्चे भूख से तड़पने लगे। सुदामा जी सोच में पड़ गए, हे गोविंद, कई दिनों से मेरे घर का चूल्हा ना जला, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करना। ऐसा विचार आया और उसी समय एक वैष्णव भोजन की सजी पत्तल श्री सुदामा जी के सामने लेकर के आया, उस पत्तल को रखा और श्री सुदामा जी को प्रणाम करके चरण स्पर्श करके वो वैष्णव वहां से चला गया। सुदामा जी ने भोजन की सजी पत्तल को देखा, मन में विचार किया, देखो मैंने गोविंद से प्रार्थना की तो गोविंद ने मेरे बच्चों के लिए सुंदर भोजन भेज दिया, ये पत्तल मैं अपने बच्चों को दूं। सुदामा जी ने दोनों हाथों में उस पत्तल को उठाया और जैसे ही कुटिया के अंदर चलने को तैयार हुए उसी समय सामने से एक वृद्ध माता लाठी का सहारा लेकर के आए। कई दिनों से ये भूखी हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, केश भी चिथड़े हैं, उलझे हुए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं और इस वृद्ध माता ने जब सुदामा जी के हाथों में भोजन की सजी पत्तल को देखा तो संकेत किया
कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे भोजन चाहिए। श्री सुदामा जी महाराज ने सोचा, शास्त्रों में ये बताया गया है कि अतिथि भगवान के समान होता है, तो हे गोविंद, मेरी कुटिया पर अतिथि को भेजा तो उससे पहले उसके स्वागत की तैयारी करा दी, ये भोजन की पत्तल भेज दी, तो आपके समान मेरे ऊपर कृपा करने वाला कौन होगा, मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। सामने घर के वृक्ष के नीचे इस भोजन की सजी पत्तल को रख दिया और ये वृद्ध माता आकर के बैठी और दोनों हाथों से इसने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। सुदामा जी तो दूर से देख रहे हैं और उनको समझ में आ गया, कई दिनों से इसने भोजन का स्पर्श न किया, तुलसी की माला पर बस गोविंद के नाम को ले रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब कुछ दिनों का समय फिर ऐसे ही बीता कि सुदामा जी की कुटिया पर कोई वैष्णव ना आया। सुदामा जी के बच्चे अब भूख से बिलगने लगे, तड़पने लगे, तब सुशीला जी से ना रह गया और सुशीला जी सुदामा जी के पास आई और हाथ जोड़कर के पूछा, मैंने ये सुना है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके गुरुकुल के सखा हैं, क्या ये सत्य है? सुदामा जी ने कहा, देवी, नितांत सत्य है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे गुरुकुल के सखा हैं, लेकिन देखो हम दोनों सखाओं में कितना बड़ा अंतर है। मेरा मित्र सोने के चरण पादुकान को धारण करने वालों है और मेरे चरणन में तो पादुकाएं है ही नहीं। ऐसा कौन मित्र होगा धरती पर जो गोविंद को मित्र के रूप में प्राप्त करके धन्य ना हो जाए। मेरे जीवन की यह धन्यता है। सुशीला जी रोने लगी और कहा, मैं आपकी पत्नी हूं तो अपने बच्चों की मां भी हूं, आप कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, मुझे पता है, मैंने आपको कभी क्रोध करता हुआ ना देखा, लेकिन मेरे बच्चे अब भूख से बिलक रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे सहन नहीं किया जाता। एक काम करिए ना, आप जाइए द्वारका और जाकर के अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलिए, गुरुकुल के बाद आज तक आप अपने मित्र से ना मिले, जाकर के उनको थोड़ा बताइए कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत होता है, हम कैसे अपने जीवन का यापन करते हैं। वे लक्ष्मीपति हैं, हमारी सहायता अवश्य करेंगे, हमारा जीवन बदल सकता है, वे हमारी आर्थिक सहायता करेंगे, आप उन्हें जाकर के कहिए। सुदामा जी ने कहा, देवी क्या कह रही हो, मैंने गुरुकुल में कभी कन्हैया के आगे हाथन को नाए फैलायो और तुम कह रही हो कि मैं जाऊं द्वारका कन्हैया से धन मांगवे के लिए, ऐसा ना है सके, मैं कन्हैया के आगे हाथन को नाए फैलाऊंगा, मैं यही मान लूंगा कि अभी प्रतिदिन एकादशी को दर्शन ही मेरे जीवन में है। सुशीला जी रोती हुई कुटिया के अंदर आ गई। परीक्षित, जरा विचार करके देखो, श्री सुदामा जी महाराज तो आसन पर बैठे और भजन कर रहे हैं, वे श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहते। सुदामा जी की कुटिया में श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसके चरणों में गिर करके सुशीला जी रोने लगी। रोते हुए कहा कि हे द्वारकाधीश, आप ही अब हमारी ओर देखिए, हमारे जीवन में कितनी बड़ी कमी है, अभाव है, अपनी कृपा से इसको दूर करिए, मेरी यही प्रार्थना आपसे है। सुशीला जी मेरे गोविंद की मूर्ति के चरणों में गिर के रोने लगी और जब मूर्ति के चरण भीग गए तो द्वारका की सुधर्मा सभा में बैठे हुए मेरे गोविंद के भी दोनों चरण भीग गए और जैसे ही दोनों चरण भीगे भगवान ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा, सुशीला जी उनकी मूर्ति के सामने गिर करके रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। वे रुदन करके उठ करके आई और सुदामा जी ने भी अपनी माला को पूरा किया, वे कुटिया के अंदर आए। अपने मित्र की दशा को जब मेरे गोविंद ने देखा तो द्वारका की सुधर्मा सभा में बैठे बैठे मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और जब श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु धारा बही तो सुदामा जी की कुटिया में जो मूर्ति रखी है ना सज्जनों,
उस मूर्ति की दोनों आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुदामा जी ने जब देखा श्री कृष्ण की मूर्ति की आंखों से जल धारा को बहता हुआ, उन्हें लगा कि द्वारका में मेरे मित्र को कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, और मेरे मित्र रहते हुए यदि मेरे मित्र को कोई कष्ट और तकलीफ है तो मेरे मित्र होने का क्या लाभ। तो मैं जाऊं द्वारका और जाकर के गोविंद से पूछूं कि उन्हें काय बात को कष्ट है, मैं गनिया के कष्ट को दूर करूं। ऐसा भाव सुदामा जी के मन में आया। सा एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने सुशीला जी को बुलाया, कहा सुनती हो? सुशीला जी दौड़ कर के आई, जी आज्ञा करें, देखती हो मेरे मित्र की आंखों से अश्रु धारा बह रही है, या को अर्थ है कि मेरे मित्र को द्वारका में कोई बात को कष्ट है और मेरे मित्र मेरा स्मरण कर रहे हो। मैं जाऊं द्वारका और अपने मित्र के कष्ट को दूर करके आऊं। यदि मेरे मित्र होते हुए मेरे मित्र को कष्ट है तो मेरे मित्र हैवे को कहला। या लिए सुशीला, कल ब्रह्म मुहूर्त में मैं यहां से द्वारका जाऊंगा अपने मित्र को दर्शन करने के लिए। सुशीला जी ने कहा आप जरूर जाइए द्वारका, जाकर के अपने मित्र से मिलिए और उनको मेरी ओर से निवेदन करिए कि वे थोड़ा हमारी ओर देखें। सुदामा जी ने रात्रि विश्राम किया और अगले दिन स्नान के बाद वे द्वारका चलने को तैयार हुए। एक हाथ में लाठी, दूसरे में टूटा हुआ लोटा, एक धोती दसियों जगह से फटी, कमर में उधड़ी सी रस्सी को बांध करके रखा है, पैरों में विवाहियां फटी हैं, माथे पर तिलक, शिखा है, यज्ञोपवीत है, शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, एक एक अस्थि का दर्शन हो रहा है राजन। लेकिन सुदामा जी के चेहरे पर भजन के कारण ब्रह्म तेज है। आज सुदामा जी चलने को तैयार हैं, तब सुशीला को कहा, देवी मित्र के यहां भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, गुरु के यहां, वैद्य के यहां खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। मेरे घर में तो दो समय चूल्हा नहीं जलता, क्या लेकर के जाऊं अपने मित्र के लिए। सुशीला जी ने कहा आप चिंता ना करिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। दौड़ करके कहीं अलग अलग घरों में और अलग अलग मुट्ठी चावल लिया, इन चावलों को आपस में मिलाया और एक पोटली बनाकर के श्री सुदामा जी को दी और कहा आप अपने मित्र को ले जाकर के ये पोटली दियो और उनसे कहियो कि उनकी भाभी ने बड़े प्रेम से उनके लिए भेजी है। उस पोटली को देखा सुदामा जी ने, कपड़ा दसियों जगह से फटा है, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। महाराज कबर में लगाया उस पोटली को और श्री सुदामा जी चलने को तैयार हुए पत्नी बच्चों से विदा लेके द्वारका की ओर। श्री सुदामा जी चलते हुए आ रहे हैं, आइए हम भी उनके साथ द्वारका नगरी चलें। नंगे चरण गिरते पड़ते हुए फलार जलपान करते हुए श्री सुदामा जी आ रहे हैं, चरणों में कांटा लगता है, रक्त निकलने लगता है, आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए वे द्वारका की ओर आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए हम भी इनके साथ गोविंद की दूर द्वारका नगरी चलें। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो के प्रेम से इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गो मथुराधीश भगवान। रात को आऊं
का न डर मोहि लागे, नाथ को आऊं तो का न डर मोहि लागे, रात को आऊं तो का न डर मोहि लागे, नाथ को आऊं तो का न डर मोहि लागे, बिन को आऊं तो देखे सारी नगरी हो, को आऊ तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए आप लोग, जिससे आनंद आएगा। धीर चालू तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलू तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलू तो कमर मोरी लचके, झटपट चालू तो चल काए गगरी हो, झटपट चलू तो चल काए गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, जय हो। हरी बोल,
बोलो केशव देव की जय। स्थान पर बैठे रहे, हमारा आदमी आएगा जिनको सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे, हम पात्र लेके आएंगे, जिनको भी देना हो आप उस पात्र में डाल दीजिएगा, आप अपने स्थान पर बैठे रहे। श्री सुदामा जी महाराज अपने मित्र का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बीच मार्ग में अचेत होके गिर पड़े, शरीर बिल्कुल सूखा, एक एक अस्थि का दर्शन हो रहा है और श्री कृष्ण का नाम लेते हुए अचेत हुए, मेरे गोविंद के हृदय में आघात हुआ। द्वारका में प्रभु ने गरुण जी को आज्ञा दी कि जाओ मेरे मित्र सुदामा को बीच मार्ग से उठाओ और द्वारका पुरी के द्वार पर लाके लिटा दो। गरुण जी ने ऐसा ही किया और श्री सुदामा जी को सोने की द्वारकापुरी के द्वार पर लाकर के लेटा दिया। जैसे ही सुदामा जी को चेतना हुई, उठकर के खड़े हुए, सामने सोने की द्वारकापुरी को देखा, बोले द्वारका धाम की जय, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वार वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायकः। सुदामा जी आश्चर्य में अचंभित होके सोने की द्वार का पुरी के एक एक द्वार से अंदर प्रवेश करके आने लगे। अरे बीच मार्ग में अचेत भयो, यहां द्वारका में, अवश्य ही मेरे मित्र की कोई कृपा है। सुदामा जी ने पहला द्वार पार कर लिया, दूसरा द्वार भी पार हुआ, तीसरे चौथे से भी आगे आ गए, पांचवें द्वार पर भी किसी ने ना रोका,
छठे द्वार को भी पार कर लिया और जब सातवें द्वार पर सुदामा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया, कहा ब्राह्मण देवता रुकिए, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। सुदामा जी ने कहा भैया जय श्री कृष्ण, बात यह है कि मैं बहुत दूर पोरबंदर से चल करके यहाँ पर आया हूँ। भैया मैं भगवान द्वारकाधीश के गुरुकुल को सखा ब्राह्मण सुदामा हूँ, मैं अपने मित्र से मिलवे के लिए यहाँ आया हूँ। कहा मोकू लाला को दर्शन हो गो। द्वारपालों ने देखा श्री सुदामा जी को, आश्चर्य में पड़ गए, तन पर नहीं लगता और चल दिए कलकत्ता। सोचने लगे कि अरे द्वारकाधीश का ये कैसा मित्र, ये अवधूत। बड़े बड़े राजाओं को यहां आता हुआ देखा, ऐसे अवधूत को तो पहली बारी देखा। कहा महाराज ऐसे तो द्वारका में संतों और ब्राह्मणों के आने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हे सुदामा जी आप जिस समय आए हैं द्वारकाधीश देवी रुक्मिणी जी के साथ अपने निजी कक्ष में हैं, और पहले हमको अंदर जाकर के आज्ञा लेनी होगी और द्वारकाधीश जैसी आज्ञा देंगे उसके अनुसार ही हम आपको कहेंगे। सुदामा जी ने कहा भैया जाओ और जाकर के निवेदन करो कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। द्वारपाल गए अंदर अंतःपुर में जहां मेरे द्वारकाधीश देवी रुक्मिणी जी के साथ बैठे, और द्वारपालों ने जाकर के बोलना प्रारंभ किया। शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसोए ग्रामा, शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसोए ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए को पा नहीं की नहीं सामा, द्वार करो दुज दुर्बल देखी रयो चकी सो वसुधा बिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम, सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने अंदर जाके कहा कि प्रभु द्वार पर आपके गुरुकुल के मित्र ब्राह्मण सुदामा आए हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। तुरंत द्वारकाधीश ने अपने पलंग से छलांग लगाई, दौड़ते हुए द्वार की ओर आए ब्राह्मण सुदामा जहां खड़े हैं, और आकर के अपने मित्र के चरणों में जैसे प्रणाम करना चाह सुदामा जी ने प्रभु को गले से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, प्रभु का मुकुट कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिरा, पीतांबर सरक गया, मोतियों की माला टूट करके बिखर गई। उद्धव सांब अक्रूर मंत्री महामंत्री सेनापति सैनिक सब मेरे गोविंद के पीछे दौड़ के आए, देखने लगे। महाराज मेरे गोविंद ने सुदामा जी से कहा मित्र आपने अपने चरणन में मुख को प्रणाम काय को नाय करन दियो। सुदामा जी ने की लाला तू सोने की द्वारका को राजा है और मैं ठहरो अवधूत ब्राह्मण, ये तेरे सब परिवार वाले खड़े हैं, यदि इनके सामने तू मेरे चरणन में प्रणाम करेगो तो मेरे मन में बहुत संकोच है जाएगा, या हमारे लाला तू मेरे चरणन में प्रणाम मत करिए। गोविंद ने कहा मित्र गुरुकुल के बाद आज आपको दर्शन भयो, मेरे मन में आपके दर्शन की आकांक्षा ही, और आप यहाँ पधारे आपने मेरे मन की अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया, आओ मेरी द्वारका की सुधर्मा सभा में चलो। द्वारका की सुधर्मा सभा में श्री सुदामा जी महाराज को लेकर के भगवान द्वारकाधीश आए। दिव्य सुधर्मा सभा, सोने का सिंहासन प्रभु का, और मित्र सुदामा को कहा मित्र मेरे आसन पर बैठकर के या को पवित्र कर दो। सुदामा जी ने कहा लाला मैं तो भूमि पर ही बैठ जाऊंगा, कभी सोने के सिंहासन पर ना बैठो। हाँ कहा नहीं नहीं मित्र, यदि आप या के ऊपर ना बैठोगे तो आज से मैं भी कभी द्वारका की सुधर्मा सभा में विराजमान ना होंगे। अरे लाला तू बड़ो हटी है, चल तू कह रहे हो तो मैं तेरी बात मान लूं।
मेरे गोविंद ने सुदामा जी को सोने की द्वारका की सुधर्मा सभा में सोने के सिंहासन पर बैठाया। और सुदामा जी जैसे ही सोने के सिंहासन पर बैठे महाराज, वे तो कभी बैठे नहीं जीवन में, उनको बड़ा सुख मिला। मेरे गोविंद सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। संकेत हुआ, अष्टपटरानियां वहां खड़ी हैं और सोने का थाल आ गया, सुदामा जी के चरणों के नीचे लग गया। जल से भरी सोने की सुराही आ गई वहां पर, और भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में उठाया तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु झरने लगे और अपने अश्रु बिंदुओं से मेरे गोविंद ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। चरणों पर अश्रु बिंदु गिरते हैं और परात में गिरते ही मोती का रूप ले लेते हैं। पूरे के पूरे चरणों को प्रभु ने अश्रु बिंदुओं से भिगो दिया। एक एक कांटे को निकालते हैं, सुदामा जी को पीड़ा होती है और भगवान उनके चरणों को धो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जरा विचार तो करके देखो, भगवान अपने पीतांबर से अब सुदामा जी के चरणों को पहुंच रहे हैं। जिस पीतांबर को इंद्र शंकर ब्रह्मा स्पर्श नहीं कर सकते, प्रभु उसी पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को पहुंच रहे हैं। भगवान ने चंदन मंगाया और सुदामा जी के चरणों में चंदन लगाया। उसके बाद मेरे द्वारकाधीश ने सुदामा जी महाराज का तिलक किया और उनकी आरती उतारी। सुदामा जी के माथे पर लिखा था श्री क्षय और भगवान ने तिलक करके उसको यक्ष श्री में बदल दिया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मन ही मन मेरे प्रभु ने सबसे पहले संकल्प करके एक गाय सुदामा जी को दान में दी, उसके बाद एक सुंदर पान सुदामा जी को खाने के लिए दिया। और फिर गोविंद ने कहा, मित्र आप पधारे यहां द्वारका में, मेरी द्वारका पूरी पवित्र रह गई। आप इतनी दूर से चल के आए हो, आपको श्रम भय होगो, आप मेरे कक्ष में चलो और पहले आप भोजन करो। सुदामा जी को द्वारकाधीश अपने निजी कक्ष में लेके आए, पलंग पर आसन बिछ गया, सुदामा जी को विराजमान किया, अष्टपटरानियां हाथ जोड़ के वहां खड़ी हैं। तब मेरे गोविंद का संकेत हुआ और अष्टपटरानियां 56 भोग लेकर के वहां पहुंची और सुंदर 56 भोग सुदामा जी के सामने सज गया। द्वारकाधीश ने कहा, मित्र ये बताओ, आपको पहले कहा पसंद है वही आपको खिलाऊं? सुदामा जी ने कही, लाला एक बात कहूं, बुरो मत मानियो, कहो ना मित्र। बोले, मोकू तो ये भी ना है मालूम या मैं मीठो कौन सो और नमकीन कौन सो है, मैंने कभी 56 भोग ना पाए लाला। देख मोकू तो मीठो ही, ब्राह्मण को तो मीठो ही प्रिय है, या मारे तू मोकू मीठो ही खिला दे पहले। हाँ सो महाराज, द्वारकाधीश अपने हाथों से सुदामा जी को मीठा खिलाने लगे। द्वारकाधीश को सुदामा जी अपने हाथों से खिलाने लगे। दोनों मित्र अपने गुरुकुल के भाव में डूब गए हैं, एक दूसरे को खिला रहे। रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती सत्या कालिंदी लक्ष्मणा मित्रविंदा भद्रा सब देख रही हैं। रुक्मिणी जी ने सोचा, रे इस अवधूत ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा सुंदर तप कर दिया कि लक्ष्मीपति स्वयं इसके चरणों में बैठे हुए हैं। देखने लगी अवधूत को, भोजन कर लिया सुदामा जी ने, अति आनंद की प्राप्ति उन्हें हुई। और तब सुदामा जी ने कहा, मित्र गुरुकुल में हम दोनों यही प्रकार सो एक साथ बैठकर के भोजन को पाते तो कोई स्मरण होगो। हा द्वारकाधीश ने कहा, मुको स्मरण है मित्र, और तुमको भी स्मरण होगा कि एक बार हम अपने सदगुरु सांदीपनि ऋषि के लिए वन में सूखी लकड़ियां लेवे के लिए गए,
तब गुरु माता ने दो चना की पोटली आपको दी, एक आपके हिस्सा की एक मेरे हिस्सा की। हम वन में सूखी लकड़ियों को एकत्रित कर रहे, वही समय जल बरसव प्रारंभ भयो, आप दूसरे वृक्ष पर चढ़ गए और मैं दूसरे वृक्ष पर चढ़ गया। आपको भूख लगी, आपने अपने हिस्सा के चना खोल करके पाए, और भूख लगी तो आपने मेरे हिस्सा की भी पोटली खोली और आप मेरे हिस्सा के चना पाने लगे। और जब आपके दांत बजे, मैंने पूछी कि मित्र ये आवाज काय की है रही है, तो आपने कि लाला आकाश सो जल बरस रहे हो, मुकुट ठंड लग रही है या हमारे मेरे दांत बज रहे हैं। आप छिपा गए कि आप मेरे हिस्सा के चना को पा रहे हैं। सुदामा जी ने कही, मित्र वाही अपराध को दंड तो मुकु प्राप्त भयो। अच्छा मित्र ये बताओ, द्वारकाधीश ने सुदामा जी से पूछा, तुम्हारो विवाह भयो कि ना भयो? सुदामा जी ने सोचा कि अरे ये तो आ गया मतलब की बात पर, हाँ अभी पूछ रहा है विवाह भयो कि ना भयो, फिर पूछे को बताओ भाभी ने मेरे लिए कहा भेजो है? ये बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां खड़ी हैं, इनके सामने ये पोटली कैसे निकाल करके दो? सुदामा जी ने बात बदली और कहा, मित्र वो बाद में बताऊंगा, तुम्हारे तो कई विवाह भय हैं, तो अपनी पत्नियों को परिचय कराओ, मैं सबको आशीर्वाद दे दूं। हाँ, द्वारकाधीश ने अष्ट पटरानियों को बुलाया। सबसे पहले देवी रुक्मिणी जी ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव। उसके बाद जामवती आई, मेरे गोविंद ने परिचय कराया, सुदामा जी ने वही आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव। सत्यभामा आई, परिचय कराया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, श्री यमुना जी को दिया। लेकिन परीक्षित, अष्ट पटनानियों का परिचय तो कराया प्रभु ने, लेकिन पीछे जो अन्य पत्नियां आने लगी उनका परिचय द्वारकाधीश ने ना कराया, और सुदामा जी सबको वही आशीर्वाद देने लगे, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। लेकिन जब ये संख्या 1500 के पार गई तो सुदामा जी के हाथ में दर्द होने लगा, लगा आशीर्वाद थोड़ा लंबा हो गया। तो पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव में से उन्होंने पति प्रिया भव को ही हटा दिया। फिर संख्या आगे चलने लगी और इस बार जब यह संख्या 5000 के पार पहुंची तो सुदामा जी के हाथ में और जोर से दर्द होने लगा। फिर सोचा ये आशीर्वाद भी लंबा है गयो या कुछ छोटो कर दूं। हाँ, सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव में से उन्होंने पुत्रवती भव को ही हटा दिया और सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने लगे। फिर संख्या आगे चली, 7000 के पार गई तो सुदामा जी को लगा कि यह आशीर्वाद भी लंबा है गयो तो यह आशीर्वाद को भी छोटो करूं। हाँ महाराज, सौभाग्यवती भव में से सौभाग्यवती शब्द को ही हटा दिया, केवल भव इतना ही आशीर्वाद देने लगे। और जब यह संख्या फिर आगे की ओर गई तो सुदामा जी को लगा कि यह आशीर्वाद भी लंबा हो गया, सो उन्होंने भव का भो कर दिया। लेकिन संख्या तो चल रही है ना साहब, तो सुदामा जी ने कही, कन्हैया हाँ मित्र, बोले यार एक बात कहनी है। कहो। बोले ना तेरे कान में कहूंगो। बोले लाला तेने जितनो भोजन मुकु ना करायो वासे ज्यादा तो मेरे हाथ को उठवा लियो, मैंने तो तेरी पत्नियां बुलाई, तेने आस पड़ोस की सबरी इकट्ठी कर ली। हैं है? ये द्वारकाधीश ने कहा, ना ना मित्र ये सब मेरी पत्नियां हैं। बोले लाला तेरे कितने विवाह भय? बोले मेरे 16108 विवाह भय। बोले लाला तेने बहुत थोड़े विवाह किए, तू एक काम कर सबको एक ही साथ बुला दे, मैं एक ही साथ आशीर्वाद दे दूं। हाँ, भगवान ने समस्त पत्नियों को एक साथ बुलाया और सुदामा जी ने पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव एक साथ आशीर्वाद दे दिया। अष्ट पटरानियां वहीं रहीं, शेष पत्नियां चली गईं। तब मेरे गोविंद ने कहा, मित्र अब आप बताओ आपको विवाह भयो कि ना भयो? सुदामा जी ने कहा, लाला मेरे मन में विवाह की इच्छा तो ना ही, परंतु माता पिता की आज्ञा मानते हुए मैंने विवाह किया और तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है।
जैसे ये नाम सुना मेरे गोविंद के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। और उनको उसी दिन का स्मरण आया जब सुशीला जी उनकी मूर्ति के चरणों में गिर करके रो रही हैं। तुरंत कहा, मित्र भाभी आपको खाली हाथ नहीं भेज सकती, बताओ मेरे लिए कहाँ भेजो है। सुदामा जी को संकोच हुआ, थोड़ा पोटली को छिपाने लगे। मेरे गोविंद ने पोटली को देख लिया और द्वारकाधीश ने सुदामा जी के कमर में लगी हुई पोटली को अपने ही हाथों से छीन लिया। अष्टपटरानिया उत्सुक है जानने को कि अवधूत क्या उठा के ले आया, और जैसे ही पोटली को हाथ में उठा के देखा मेरे गोविंद के नेत्रों से झरझर झर अश्रुपात होने लगा। मेरे मित्र के यहाँ एक विलस्त साबुत कपड़ा भी अपना नहीं, तो आज यदि सुदामा के भाग्य को ना बदल दूं तो आजीवन द्वारका की सुधर्मा सभा में सोने के सिंहासन पर आकर के ना बैठूं। भगवान का संकल्प, खुल गई पोटली, अष्टपटरानियां देखने लगी। एक मुट्ठी चावल मेरे गोविंद ने उठाया और अपने मुख में डाला। क्या कृपा कर दी सुदामा जी पर, श्री कृष्ण और रुक्मणी को छोड़ के कोई तीसरा ना समझ पाया। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया मेरे प्रभु ने, अपने मुख में डाला। क्या कृपा कर दी ये श्री कृष्ण और रुक्मणी को छोड़ के कोई तीसरा ना समझ पाया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही हाथ में ली, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप ही सब पाएंगे या थोड़ा प्रसाद हमें भी मिलेगा। संकेत किया ब्राह्मण पर ज्यादा मेहरबान ना हो, अन्यथा द्वारका भी जाएगी और हम भी दासी बन के चली जाएंगी। हाँ इतना ही बहुत है। महाराज सुदामा जी का तो सिर झुक गया, संकोच होने लगा उन्हें। दोनों मित्र आपस में चर्चा करते रहे। रात्रि का समय आ पहुंचा, मेरे गोविंद ने सुदामा जी को पुनः भोजन कराया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा जी को कहा, मित्र आप अब आराम करो, मैं कल प्रातः काल आकर के आपको दर्शन करूंगा। सुदामा जी को सोने के पलंग पर लेटाया मेरे गोविंद ने, चरणों को दबाया, श्री सुदामा जी को नींद आई और तब द्वारकाधीश उनको प्रणाम करके देवी रुक्मणी जी के साथ अपने निजी कक्ष में चले गए। मध्य रात्रि में अचानक मेरे गोविंद की नींद खुली तो प्रभु अपने मित्र को देखने के लिए आए। आकर के देखा कि श्री सुदामा जी महाराज सोने के पलंग पर नहीं, भूमि पर शयन कर रहे हैं। भगवान सोच में पड़ गए कि मेरा मित्र कितना भोला है, सोने के पलंग को छोड़कर के भूमि पर सो रहा है। भगवान दूर से ही प्रणाम करके अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया श्री सुदामा जी ने, वे तैयार हुए और गोविंद के नाम की एक माला करके वे स्वर्ण पलंग पर आकर के बैठ गए। गोविंद देवी रुक्मणी जी के साथ चलते हुए आए उसी कक्ष में तो देखा श्री सुदामा जी बैठे हैं। आकर के प्रणाम किया प्रभु ने, कहा मित्र रात को नींद तो आई ठीक सो। सुदामा जी ने कहा, लाला मुख बहुत सुंदर नींद आई है स्वर्ण पलंग पर, ऐसी नींद तो मुख को कभी आई ना। यहां कहा कमी है लाला तेरी द्वारका नगरी में, बता। भगवान ने श्री सुदामा जी को जलपान कराया। देवी रुक्मणी जी जलपान के बर्तन जब रखने के लिए गईं, तब सुदामा जी ने द्वारकाधीश को पूछा, लाला अब एकांत में तू मोको ये बता, तो को या द्वारका नगरी में कोई कष्ट तो ना है। गोविंद ने कहा, मित्र गुरुकुल के बाद आपको दर्शन ना भयो, बस यही मेरे मन में कष्ट हो। आज आपको दर्शन है गयो तो मेरा सारो कष्ट दूर है गयो, मैं प्रसन्न हूं। सुदामा जी ने कहा, बस मैं यही जानने के लिए यहां पर आयो मित्र, अब मुको जाने की आज्ञा दो। गोविंद ने कहा, ये क्या मित्र आप आए एक रात्रि रुके और चलने की बात। कहा, लाला मैं एक ही रात्रि को संकल्प करके यहां आयो, और जब तक मैं लौट करके नाए जाऊंगा तुम्हारी भाभी सुशीला जल को भी ग्रहण नाई करेगी, मेरे बच्चे मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, या हमारे मुको जाने की आज्ञा दो। गोविंद जानते हैं इस बात को, इसलिए सुदामा जी को रुकने के लिए बहुत दबाव ना दिया। कहा, मित्र आपके लिए सुंदर रथ की व्यवस्था करूं आप जाओ। कहा, नहीं नहीं लाला देख अब मैं तो ऐसे ही नंगे चरण चल करके आया और ऐसे ही लौट करके जाऊंगा।
मुकु तो याई में ही सुख है। तेरे नाम का भजन करूं बता, मेरे समान सुखी या धरती पर कौन होगा। मेरे गोविंद ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र रोने लगे। चलने का समय आ पहुंचा और द्वारकाधीश हाथ पकड़ करके सुदामा जी को द्वारकापुरी के मुख्य द्वार तक लेकर के आए। महाराज द्वारपाल खड़े हुए, देवी रुक्मिणी जी, अन्य पटरानियां साथ में, उद्धव, सांब, अक्रूर, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, सैनिक सब द्वारकाधीश के पीछे। और मुख्य द्वार पर आकर के सुदामा जी के चरणों में द्वारकाधीश ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने द्वारकाधीश को आशीर्वाद दिया, गले लगाया और सजल नेत्रों से सुदामा जी वहां से पोरबंदर के लिए प्रस्थान कर गए। गोविंद लौट करके अंदर आए अष्टपटरानियों के सहित। द्वारका की जिस रज पर सुदामा जी के नंगे चरण पड़े, उस रज को उठा करके अपने माथे से मेरे प्रभु ने लगाया और सुदामा जी चलते हुए जब पोरबंदर पहुंचे तो क्या देखा, वहां झोंपड़ी के स्थान पर सोने की सुदामा पुरी बसी हुई है। द्वारपाल खड़े वहां। सुदामा जी ने पूछा, भैया यहां मेरी छोटी सी झोंपड़ी, ये सोने की सुदामा पुरी कहां से आ गई। द्वारपालों ने कहा, महाराज हमें नहीं मालूम, हम तो कल रात्रि यहां आए हैं। सुदामा जी ने सोचा, कल रात्रि, ओहो हो, कहीं ये टेढ़ी टांग वाली की कोई लीला तो ना है। हाँ, कैसे जानो जाए ये सुदामा पुरी कौन की है। द्वारपाल से कहा, भैया ये सोने की सुदामा पुरी जिन सुदामा जी की है, उनकी धर्म पत्नी को मैं दर्शन करना चाहूंगा। द्वारपालों ने कहा, आप रुकिए, हम महारानी जी से जाकर के आज्ञा लेते हैं। द्वारपाल अंदर गए, भैया सब कुछ बदल गया, सुशीला जी तो सोने के सिंहासन पर बैठी हैं, सब कुछ बदल गया एक ही रात्रि में। द्वारपालों ने जाकर के सुदामा जी के बारे में जब सुशीला जी को कहा तो सुशीला जी को समझते हुए देर ना लगी कि मेरे पति द्वारका से लौट करके आए हैं। आरती की थालियां सजवाई, महाराज हजारों दासियों को साथ लेकर के सुशीला जी सजी धजी स्वर्ण आभूषणों को मणि माणिक्यों को धारण करके बाहर निकल करके आई। सुदामा जी तो जिस धोती में गए थे उसी धोती में लौट के आए, लेकिन यहां तो सब कुछ बदल गया है। हाँ, सुशीला जी ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, स्वागत है आपका। सुदामा जी पीछे हो गए, कह रहे, देवी मेरे चरणों में प्रणाम क्यों। सुशीला जी ने कहा, आपने नहीं पहचाना, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। सुशीला, नहीं 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 नहीं, तुम सुशीला हो जी, लेकिन सुशीला एक ही रात्रि में ये सब कैसे बदल गए हो। सुशीला जी ने कहा, सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने कहा, बस वही हुआ जिसका मुझे डर था, तुम्हारे मन में धन की आकांक्षा ही सो तुमको धन मिल गयो, मेरे मन में मेरे मित्र के दर्शन की इच्छा ही सो मोकू मिल गयो। मैं तो दूर कहीं अपनी झोंपड़ी को ढूंढ करके वहां में बैठ करके ही भजन करूंगा। हाँ, मुकु या सोने की सुदामा पुरी में ना रहनो। और सुदामा जी मुख फेर करके चल दिए। सुशीला जी ने कहा, आप नहीं रहेंगे तो मैं रह करके कहा करूंगी। सो सुशीला जी भी आई, बच्चे भी दौड़ते हुए आ गए और जब सुदामा जी चलने लगे तो पीछे से आवाज आई, अरे मित्र सुदामा रुको, जरा मुड़ करके देखो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश देवी रुक्मिणी जी के साथ प्रकट हुए। सुदामा जी ने कहा, प्रभु आपने ये कहा कि हो मुको ये सोने की सुदामा पूरी दे दी, अब मैं आपको भजन कैसे कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, मित्र ये तुम्हारी पुरी है, ऐसा मान के या को उपभोग मत करियो, ये मेरी कृपा प्रसादी है, ऐसा मान के या को उपयोग करियो, या सोने के महल में रह करके भी तुम्हारा मन मेरे भजन में रहेगा ऐसा आशीर्वाद मैं तुमको दूं। मैंने बहुत प्रेम से तुमको दी है, या कुछ छोड़ के या कुछ त्याग करके मत जाओ मित्र। गोविंद रुक्मिणी जी के सहित अंतर्धान हुए और प्रभु की आज्ञा मानते हुए श्री सुदामा जी सपरिवार सोने की सुदामा पुरी में प्रवेश करके आए।
आसन उन्होंने बिछाया और सबसे पहले गोविंद के नाम का भजन करने के लिए बैठ गए। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भाव से मुझे यदि पत्र पुष्प भी अर्पित कर दिया जाए तो मैं उससे ही संपूर्ण त्रिलोकी को तृप्त कर देता हूं। महाराज सुदामा जी के प्रेम और भाव में सने हुए चावलों को पाके प्रभु ने सुदामा जी के भाग्य को ही बदल के रख दिया। श्री सुदामा जी के समान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना के साथ अभी कथा को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। और आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पूर्ण विराम है, तो आज की कथा ठीक 4 बजे से यहाँ पर प्रारंभ होगी, तो आप सब लोग 4 बजे अपने स्थान को आकर के लें। अभी कुछ सूचना है उसको सुने, पश्चात आप लोग प्रसाद लें। 4 बजे कथा का प्रारंभ होगा, समय का आप लोग ध्यान रखें। एक बार भाव से जय जयकार। सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। बोले द्वारकाधीश भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नीम करौली भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। सभी से निवेदन है कृपया शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम श्रद्धे पूज्य श्री राधा किशन जी पाठक, पूज्य श्री व्यास जी के पिताश्री हैं, एवं उनके साथ श्री महेश जी शर्मा जो हमारे विशेष आग्रह पर वृंदावन से पधारकर अमृत रस बरसाया है। अग्रवाल परिवार आपका आभारी है। आपसे निवेदन है दरबार में आकर श्री भगवान जी को माला अर्पण करें। वह श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल से निवेदन है जो मुख्य यजमान है, आप स्टेज पर आकर महाराज श्री का साल श्रीफल एवं माला से पद स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। अग्रवाल परिवार के सभी सगे संबंधी व इष्ट मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप 27/1/10 मतलब कल सुबह 9:30 बजे हवन का कार्यक्रम इसी पंडाल में प्रारंभ होगा। कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप ठीक 9:30 बजे यहाँ पधारेंगे। जिन बहनों ने मंगल कलश उठाए हैं, उनसे निवेदन है कि आज रात्रि 9 बजे मंगल कलश लेकर अपने अपने घरों पर इस मांगलिक कलश को स्थापित करें। आपके मंगल की कामना व्यासपीठ द्वारा हो रही है। अग्रवाल परिवार आए हुए सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करता है। मैं श्री अग्रवाल जी से, बालकृष्ण जी व राजेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि व्यासपीठ पर विराजमान उनके पिताश्री श्री राधा किशन जी पाठक का सम्मान करें। तालियां बजा कर थोड़ा स्वागत कीजिए आप लोग। श्री महेश चंद्र शर्मा जो आप उनके मित्र हैं साथ में आए हैं, आपका भी स्वागत करेंगे अग्रवाल परिवार। दूसरी लिस्ट देना, नाम अलाउंस वाले। आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर आकर भागवत भगवान को माला अर्पण करेंगे, वह आशीर्वचन लेंगे। श्री सतीश जी अग्रवाल, श्री अजय जी गाड़िया, उनके साथ गाड़िया जी एक और आए हुए हैं बोरीवली से, श्री राकेश जी बुबना, श्री आशीष जी अग्रवाल, श्री उमेश जी कंडोई, श्री बजरंगलाल जी गोयनका, श्री राम जी शर्मा, श्री महेंद्र जी पाटोदिया, श्री पसारी जी, श्री राकेश जी लोहिया, श्री डीडवानिया जी, सुशील जी डीडवानिया, श्री अग्रवाल जी, राम निरंजन जी, मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर गणेश फ्रॉम पार्ले, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर भागवत भगवान को माला अर्पण कर व्यास जी से आशीर्वचन लें। श्री रंग बिहारी जी भूत, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप स्टेज पर पधारें।
सभी से निवेदन अग्रवाल परिवार के बहनों से कि कृपया आप व्यासपीठ का ऊपर अपने शाम का सेशन ठीक 4 बजे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। आज कथा का आज आखिरी श्री राजकुमार जी गोयल, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप स्टेज पर पधारें। श्री संजय जी जैन, आपसे निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। कथा शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद वृंदावन में जो फूलों की होली हम खेलते हैं, उस होली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ठीक 4 बजे कथा स्थल पर आ जाएंगे। श्री राम जी शर्मा, कृपया आप जल्दी जल्दी आए। एक बेटा 2 मिनट रुक जाना, नाम दे जाना, सम्मान है, वो जाना ऊपर चढ़ाना है या फिर कथा ठीक 4 बजे यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप 4 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। जिन बहनों ने मंगल कलश उठाए हैं उनसे निवेदन है कि आज रात्रि 9 बजे श्री संजय जी डीडवानिया, आपसे भी निवेदन है सुनील जी डीडवानिया कि आप भी व्यासपीठ पर पधारें। जिन बहनों ने मंगल कलश उठाए हैं उनसे निवेदन है आज रात्रि ठीक 9 बजे आप व्यासपीठ से मंगल कलश लेकर अपने अपने घरों पर इस मांगलिक कलश को स्थापित करें। आपके मंगल की कामना व्यासपीठ द्वारा होगी। उसे निवेदन है कि आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, कृपया आप समय पर पधारें। कल रात को ठीक 6:00 बजे यहाँ माता की चौकी का आयोजन किया गया है। जिन भाइयों और बहनों ने इस कथा के अंदर आकर रसपान किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप माता की चौकी में भी जरूर से जरूर पधारें, उसका भी आनंद लें। भगवती देवी अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस कथा में रस लेने वाले सभी भाइयों और बहनों का अग्रवाल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। इस परिवार के मुख्य यजमान श्री बालकिशन जी अग्रवाल, श्री सुशील जी अग्रवाल व श्री राजेंद्र जी अग्रवाल द्वारा यह कथा का आयोजन, भव्य आयोजन हो रहा है। श्री ओम प्रकाश जी गाड़िया जी, आपसे भी निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर आएं। आप आइए फिर। श्री डालमिया जी, आपसे भी निवेदन है कि कृपया शाम की और कल सुबह की कथा है ना, सेकंड चैनल पे आएगी, वीर केबल के सेकंड चैनल पे आएगी, अनाउंस कर रहा हूं। जो मुन्ना जी जो नाम अनाउंस कर दो। होगो अब नाम अरे नाम अनाउंस श्री जाजोदिया जी, आपसे निवेदन है कि ऊपर व्यासपीठ पर थोड़ा प्रसाद भेजने की मेहरबानी करें। रमा शंकर जी लाड से निवेदन है, हेलो, श्री पुरुषोत्तम जी बजाज, श्री पुरुषोत्तम जी बजाज, श्री अनीश जी अग्रवाल,
श्री अनीश जी अग्रवाल जहाँ कहीं भी हो कृपया हितेश जी और शिल्पा जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पे पधारे। अनीश जी अग्रवाल, रितेश अग्रवाल और शिल्पा जी। राधा साध्यम साधनम यस्य रितेश हाँ ठीक है हाँ हाँ आज सेकंड चैनल पे ठीक है ओके 4 बजे हाँ मैं एक बार अनाउंस करके आपको बोलता हूँ।